भारत में पहली बार होगा। इस सरदार जी को उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सोकाली, नो डील। फाइनली दोस्तों, आज बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मिशन रानीगंज को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। और रिलीज होते ही यह फिल्म सिर्फ ऑडियंस का दिल नहीं जीत रही, बल्कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म के कलेक्शंस काफी अच्छे आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन रानीगंज के पहले दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। बात करने वाले हैं दोस्तों यहां पर सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के आज यानी कि अपने 30वें दिन के कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं कि आज इन दोनों ही फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म के कलेक्शन ज्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी जवान और मिशन रानीगंज का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 30 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों इन 30 दिनों में इस फिल्म ने बॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अपने पहले ही दिन 75 करोड़ रुपए की ऑल इंडिया नेट ओपनिंग लेने वाली जवान दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की नंबर वन ओपनर बनी। और इस फिल्म ने पठान और गदर 2 को पीछे छोड़ा। तो वहीं दोस्तों अपने 3 ही दिनों में 200 करोड़ रुपए के क्लब को ज्वाइन करने के बाद इस फिल्म ने बॉलीवुड इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर 3 इडियट को भी सिर्फ 3 ही दिनों में पीछे कर दिया था। ऑडियंस दोस्तों जवान को एंजॉय कर रही थी, और यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 390 करोड़ रुपए कमा लिए थे और दंगल को भी पीछे छोड़ चुकी थी। तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में 130 करोड़, तीसरे हफ्ते में 56 करोड़ और अपने चौथे हफ्ते में लगभग 36 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही इस फिल्म ने बॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर बॉलीवुड की पहली 600 करोड़ी फिल्म बनी। इस फिल्म के दोस्तों अपने जो टोटल 29 दिनों के कलेक्शन से वो 618 करोड़ रुपए के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 1105 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार करने में कामयाब रही है। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि दोस्तों अपने 30वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिसमें अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज भी शामिल है। अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने की वजह से इस फिल्म की जो स्क्रीन है वो कम हो चुकी है, और ये फिल्म आज लगभग 800 से 900 स्क्रीन पर ही इंडिया में चलने वाली है। लेकिन दोस्तों इन 900 स्क्रीन पर भी इस फिल्म के आज के जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं, और ये फिल्म आज भी 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 619 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म धमाकेदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल में दोस्तों जवान इंडियन सिनेमा की नंबर वन फिल्म इस साल बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आप सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज की एडवांस बुकिंग और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन रानीगंज कोल माइंस में फंसे हुए लोगों के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बनाई गई बेहतरीन फिल्म है, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार के अलावा कुमुद मिश्रा, परिणीति चोपड़ा, राजेश शर्मा और भी कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को आज ऑल ओवर इंडिया में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया है। दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में आज अपनी रिलीज से पहले ही 1 करोड़ 10 लाख रुपए की एडवांस मिल चुकी है, जो कि एक तरह से अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के लिए काफी कम एडवांस है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के एडवांस को लास्ट डे में ही शुरू किया गया था, यही वजह है कि एक तरह से इस फिल्म को अच्छी एडवांस मिल चुकी है। यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही 18 से 22% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। आफ्टरनून और इवनिंग की इस फिल्म की जो एडवांस ऑक्यूपेंसी है उसमें भी काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यह फिल्म आज अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 6.5 से 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों शाम के शो में इस फिल्म को लेकर अच्छी एडवांस बुकिंग देखने को मिली, तो हो सकता है कि इस फिल्म के आज अपने पहले दिन के कलेक्शन 8 से 9 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को टच कर ले। लेकिन दोस्तों फिलहाल में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 6.5 से 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। अक्षय की इस फिल्म का दोस्तों कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ था, ना ही कोई बज इस फिल्म का हमें देखने को मिला है। लेकिन अक्षय कुमार के स्टारडम की वजह से यह फिल्म मात्र 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ले रही है। बता दोस्तों आपको कि यह फिल्म इंडियन
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर 60 से 70 करोड़ रुपए ये भी कमाई कर लेती है तो एक हिट फिल्म साबित होगी। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।